नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर अमित के सरवानी, फाउंडर एंड डायरेक्टर अनुसंधान एकेडमी सिविल लाइंस इलाहाबाद। आप सब लोगों का अनुसंधान एकेडमी में हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को रिसर्च हाइपोथेसिस के ऊपर स्टडी किया कराया और उससे पहले मैंने आपको मीनिंग्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसर्च पे बताया था। स्टूडेंट्स, इस वीडियो को भी उसी सीक्वेंस के साथ जोड़ते हुए रिसर्च के कुछ अन्य फैक्ट्स, अन्य तथ्य जैसे चर पेयर वेरिएबल के विषय में डिस्कस करेंगे। एक शॉर्ट वीडियो है, वेरिएबल्स एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है क्योंकि बिना वेरिएबल्स के रिसर्च हो ही नहीं सकता। तो पीएचडी करने के दौरान, रिसर्च करने के दौरान वेरिएबल्स एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। ये तकनीकी शब्द है जिसका प्रयोग आनुभाविक शोध में किसी विशिष्ट सामाजिक विशेषता अथवा सामाजिक कारक जैसे आयु, लिंग, आय, शिक्षा, व्यवसाय, धर्म, जाति, प्रजाति आदि के लिए किया जाता है। इट्स अ टेक्निकल टेक्नोलॉजिकल वर्ड विच इज यूज इन इम्पेरिस्टिव रिसर्च फॉर एनी स्पेसिफिक सोशल क्वालिटी और सोशल फैक्टर। फॉर एग्जाम्पल, एज, जेंडर, इनकम, एजुकेशन, बिजनेस, रिलीजन, कास्ट, रेस एंड एक्सेट्रा। सो इन दैट कॉन्सेप्ट हम जब शोध करना शुरू करते हैं, ठीक है, तो शोध के दौरान हम इन चरों को आधार बनाते हैं, इन चरों को हम चयन करके इन्हीं को जोड़ते हैं, इन्हीं के अंतर संबंधों को निकालने के लिए हम उपकल्पनाओं को निर्मित करते हैं। तो आप ये समझ सकते हैं बिना चरों के शोध हो ही नहीं सकता। जस्ट लाइक दैट चर क्या हुए, तो चर आर द ब्रिक्स ऑफ एनी रिसर्च। व्हाट आर वेरिएबल्स, वेरिएबल्स आर द ब्रिक्स ऑफ एनी रिसर्च। यानी चर को कहा जाएगा किसी शोध के में एक प्रकार से वो अट्टालिकाएं जिन पर वो आधारित है। समान अर्थ में परिवर्त या चर का तात्पर्य ऐसी मात्रा से है जो बदलती रहती है। इट्स कीप्स ऑन चेंजिंग। इट इज इन जनरल मीनिंग वेरिएबल मीन्स सच दैट विच कीप्स ऑन चेंजिंग टू फ्रॉम पीपल टू पीपल। तो व्हाइल अ रिसर्च स्कॉलर गोज टू द पर्सन, ही आस्क सम क्वेश्चन, ही गेट सम वेरिएबल। नाउ व्हेन यू मूव टू अदर पर्सन, ही गेट सम डिफरेंट वेरिएबल। सो सपोज करिए कि एक रिसर्च स्कॉलर एक व्यक्ति के पास जाता है, उससे पूछता है कि आपकी उम्र क्या है। तो उस व्यक्ति ने अपनी उम्र बताया 29 साल, और उसके बाद वो अगले व्यक्ति के पास जाता है, उससे भी पूछा तो उसने बताया उसकी 32 साल, फिर किसी के पास 31 साल। तो इस प्रकार से हर एक व्यक्ति के साथ ये चर बदलता है। अब शोध रिसर्च स्कॉलर जो है वो इन चरों पर आधारित होकर अपने रिसर्च को करता है, इन चरों पर ही आधारित होकर अपने शोध की उपकल्पनाओं को निर्मित करता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर अपने रिसर्च की बात करूं, मैंने कुंभ मेला द स्टडी ऑन सोशियोलॉजी ऑफ कल्चर पर रिसर्च किया। मैंने पीएचडी किया बीएचयू से और सोशियोलॉजी में मेरा रिसर्च रहा है, तो मैंने इस टॉपिक को लिया कुंभ मेला द स्टडी ऑन सोशियोलॉजी ऑफ कल्चर। अब मैंने अगर इस टॉपिक पर रिसर्च किया, तो इस टॉपिक पर मैंने जो लोगों को सेलेक्ट किया, उसके मैंने साधुओं को फोकस किया और साधुओं पर क्वेश्चन करा, तो मैंने यह चीज जानने का प्रयास किया कि जो साधु है उसकी एज क्या हो। तो आप अगर जाएं और हम दो एक साधु से मिलें और हम कहें कि भाई आपकी एज क्या है, उसने कहा कि हमारी एज 29 है, तो हम ये नहीं कह सकते साधुओं की एज 29 है। अब हमें इसके लिए एक अमाउंट ऑफ साधुओं, यानी अमाउंट ऑफ साधु, काफी लोग, काफी साधुओं से मिलना पड़ेगा। तो सपोज करिए कि हमने अनुसूची बनाई और उसमें 40 प्रश्न रखे, और उस 40 प्रश्न में एक प्रश्न हमने आयु पर रखा, एक प्रश्न हमने इनकम पे रखा कि साधुओं का इनकम का स्रोत क्या है, साधुओं का आय क्या है, साधुओं की मैरिटल लाइफ कैसी होती है, साधुओं की पॉलिटिकल लाइफ कैसी होती है, साधुओं का बैकग्राउंड पर कुछ क्वेश्चन रखा, और उनके आधार पर हमने शोध में अपनी उपकल्पनाएं निर्मित करी। अब इस आधार पर हम एक साधु से मिले, उसने हमें कुछ मिला, अपना आयु बताया, अपना आय बताया, अपना धर्म बताया। इस तरीके से हमने लगभग एग्जाम्पल के रूप में 500 साधुओं से क्वेश्चन किया। अब 500 साधुओं से क्वेश्चन करने पर एक रफ फिगर हमारे मस्तिष्क में तैयार हो गया कि साधुओं की जो एज है वो लगभग, अब जैसे मैक्सिमम साधुओं की एज को हमने कैलकुलेट किया, किसी ने 29 या 30 बताया, और इसी प्रकार से किसी ने 40, 45, 50 के आप रिफेयर, कुछ लोग 80 साल के भी थे, कुछ लोग 60 के भी, 70 के, कुछ ऐसे भी थे जो युवा साधु थे जिनकी उम्र अभी 21 साल 22 साल है, कुछ बच्चों के वर्ग से भी साधु। तो अब हम सबकी साधु, जितने साधु थे, 500 साधुओं के जो डाटा हमने लिया, इन सारे साधुओं के डाटा को उठा करके अपाउंट जितना एज था टोटल करके अपॉन 500, यानी एवरेज।
तो इस प्रकार से एक एवरेज हमारे सामने आया कि 33.3 ईयर्स। तो इस प्रकार से मेरे मन मस्तिष्क में क्लियर फैक्ट बनता है कि लगभग जो साधु हैं उनकी एज 30 से 35 साल के मध्य होती है, 30 से 35 साल के मध्य अधिकतर साधुओं की एज पाई जाती है। इससे एक बात क्लियर निकलता है, एजम्पशन निकलता है, कंक्लूजन निकलता है कि अधिकतर साधुओं की एज 30 से 35 साल की होती है। अब यहां पर ध्यान देने वाला है कि ये जो हमने अभी कंक्लूजन निकाला ये किन पर आधारित रोग निकाला, वेरिएबल्स पर आधारित रोग, चरों पर आधारित रोग। इस प्रकार से चर जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं हमारे शोध में उपकल्पनाओं को कृत करने के लिए और शोध पे एक निष्कर्ष निकालने के लिए चर एक प्रारंभिक चरण है। इसके बाद अगर देखें तो टाइप्स ऑफ यानी कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स आते हैं, सो यहाँ पर इस दृष्टिकोण से हम इसे तीन और जनरल दृष्टिकोण से दो अन्य प्रकार में डिवीजन करेंगे। तो सबसे पहले महत्वपूर्ण स्पेसिफिक क्लासिफिकेशन की बात करें तो स्पेसिफिक क्लासिफिकेशन में हम डिपेंडेंट वेरिएबल, दूसरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल और तीसरा इंटरविनिंग वेरिएबल की बात करें। डिपेंडेंट जिसको हम आश्रित चल कहते हैं, आश्रित चल, और इंडिपेंडेंट वो वेरिएबल्स होते हैं जो स्वतंत्र चर होते हैं, और मध्यवर्ती इंटरविनिंग जो दोनों के बीच की कड़ी होती है। आश्रित चर क्या है? कुछ चरों को आश्रित चर इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह अपने परिणामों एवं परिवर्तनों के लिए दूसरे चरों में होने वाले परिवर्तनों पर निर्भर होते हैं। जबकि स्वतंत्र चर क्या है? एक स्वतंत्र चर या परिवर्तित चर उसे कहते हैं जिसकी उपस्थिति या उसमें होने वाला परिवर्तन किसी अन्य आश्रित चर को प्रभावित करता है। जैसे हमने कहा धूम्रपान से कैंसर होता है, तो धूम्रपान क्या होगा? एक स्वतंत्र चर, धूम्रपान बदल जाएगा, धूम्रपान की जगह और भी चीजें हो जाएंगी। कैंसर यहां पे क्या है? एक आश्रित चर हो गया, दैट इज डिपेंडेंट वेरिएबल। कैंसर क्या है? डिपेंडेंट वेरिएबल। और धूम्रपान क्या है? स्वतंत्र चर। स्वतंत्र से ही समझ लीजिए, स्पष्ट है, थोड़ा याद रखने के लिए बताऊं, स्वतंत्र से समझ लीजिए जो कई एक हो सकते हैं। जैसे हमने एक बात कहा कि धूम्रपान से कैंसर होता है, दूसरा हमने कहा कि अल्प निंद्रा से कैंसर होता है, तीसरा हमने कहा कुपोषण से कैंसर होता है, तो न्यूट्रिशन यानी कुपोषण से कैंसर होता है, अल्प निंद्रा यानी स्लीपिंग प्रॉब्लम से कैंसर होता है, और धूम्रपान यानी स्मोकिंग कॉजेस कैंसर। अब यहां पर देखिएगा तो धूम्रपान, अल्प निंद्रा, कुपोषण ये सारे जो है बदल रहे हैं, यानी कि कई एक हो सकते हैं, तो ये जितने बदल रहे हैं इनको इंडिपेंडेंट स्वतंत्र चर, स्वतंत्र ही बदलते जाएंगे, परंतु जो फिक्स्ड है जो नहीं बदल रहा है वो होगा आश्रित, डिपेंडेंट। नाउ क्लियर हुआ बात? तो जो बार बार बदल सकते उन्हें हम कहेंगे स्वतंत्र, यानी जिनकी संख्या अनंत हो सकती है, परंतु जिस पर हो रहा है, ठीक है ना, जिस पर जांचा जा रहा है वो क्या होगा? वो दैट इज आश्रित चर, दैट इज डिपेंडेंट वेरिएबल। मान लीजिए हम कोरोना पर रिसर्च कर रहे हैं, कोरोना के कारण का पता लगा रहे हैं, तो हमने कहा कि नॉनवेज खाने से कोरोना होता है, ठीक है, हमने कहा अल्कोहल का अधिक सेवन से कोरोना होता है, हमने कहा कि गंदी गंदी प्रोडक्ट्स का प्रयोग करने से या गंदगी में रहने से कोरोना होता है, तो अल्कोहल का प्रयोग करना, गंदगी में रहना और नॉन वेज का खाना, ये सारी चीजें क्या हो जाएंगी? स्वतंत्र चर है, ठीक है, और जिस पर फोकस है कोरोना, तो कोरोना क्या हो जाएगा? यहां पर आश्रित चर हो जाएगा। इसी ये आपको क्लियर हो गया होगा फैक्ट, आश्रित चर दैट इज फिक्स्ड एंड इंडिपेंडेंट या स्वतंत्र दैट मूव्स ऑन कीप्स ऑन चेंजिंग, दैट्स कीप्स ऑन चेंजिंग। ऑलराइट, नाउ तीसरा चर होता है इंटरवेनिंग वेरिएबल, मध्यवर्ती चर। जब दो या दो जब दो परिवर्तनों के मध्य कारणात्मक संबंधों को व्यक्त करने के लिए किसी अन्य परिवर्तन का प्रयोग एक व्याख्यात्मक कड़ी के रूप में किया जाता है, तब इसे तीसरे परिवर्त को तब इस तीसरे परिवर्त को मध्यवर्ती परिवर्त कहते हैं। जैसे मैंने कहा कि धूम्रपान से कोशिका विखंडन होता है जिससे कैंसर होता है, तो वाइल स्मोकिंग
सेल डिस्ट्रक्शन अकर कॉजेस कैंसर. सो हियर वी हैव थ्री वेरिएबल्स. नाउ तीन वेरिएबल है, धूम्रपान, कोशिका विखंडन और कैंसर. सो बीच में जो कड़ी यहां पर स्वतंत्र चर और आश्रित चर के मध्य में है, इस बीच वाले चर को, कोशिका विखंडन को, हम क्या कहेंगे? मध्यवर्ती चर. एक अन्य एग्जांपल लेते हैं. सामाजिक एकीकरण का हास आक्रामक भावों को उत्पन्न कर आत्महत्या व मानव हत्या को जन्म देता है. अब यहां पे समझिएगा, सामाजिक एकीकरण का हास, तो सामाजिक एकीकरण का हास दैट इज द सोशल इंट्रेक्शन, द डिक्लाइन ऑफ सोशल इंस्ट्रक्शन इंटीग्रेशन, दैट द डिक्लाइन ऑफ सोशल इंटीग्रेशन स्प्रिंग्स इंटेंसिव इमोशंस, आक्रामक भाव, इंटेंसिव इमोशन, इंटेंसिटिव इमोशंस रिजल्ट सुसाइड और ह्यूमन किलिंग, आत्महत्या व मानव हत्या का जन्म देता है. तो यहां पर स्पष्ट हो जा रहा है कि डिक्लाइन ऑफ सोशल इंटीग्रेशन दैट इज सामाजिक एकीकरण का हास, ये जो सामाजिक एकीकरण का हास है ये क्या है? दैट इज स्वतंत्र चर. और आत्महत्या या मानव हत्या वो क्या है? डिपेंडेंट आश्रित चर. और बीच में जो ये बात कहता है कि आक्रामक भावों को उत्पन्न करना, तो इंटेंसिटिव इमोशन इसे कहेंगे इंटरविनिंग वेरिएबल. सो स्टूडेंट्स, ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, व्हाट इज डिपेंडेंट, व्हाट इज इंडिपेंडेंट, व्हाट इज इंटरविनिंग वेरिएबल. स्वतंत्र चर, आश्रित चर, स्वतंत्र चर और मध्यवर्ती चर. स्टूडेंट्स, इसके अलावा भी दो एक प्रकार के अगर हम देखें वर्गीकरण होते हैं जो साधारण रूप से देखा जाए, तो साधारण वर्गीकरण में कहेंगे क्लास टाइप्स ऑफ यहाँ पे वेरिएबल, गुणात्मक चर और परिमाणात्मक चर, दैट इज क्वालिटेटिव वेरिएबल एंड क्वांटिटेटिव वेरिएबल. स्पष्ट नाम से क्वालिटी पर आधारित वेरिएबल्स, उन्हें हम कहेंगे क्वालिटेटिव गुणात्मक, और जो क्वांटिटेटिव क्वांटिटी पर आधारित होगा, क्वांटिटेटिव यानी परिमाणात्मक चर. जैसे संख्यात्मक इकाइयों की अपेक्षा श्रेणियों को प्रदर्शित करने वाले परिवर्त को गुणात्मक परिवर्त कहेंगे. जैसे लिंग, धर्म, प्रजाति सब गुणात्मक परिवर्त हो गए. एक परिवर्त में विभेद के लिए अंकों या संख्याओं का प्रयोग नहीं किया जाता. ऐसे परिवर्तनों में जब हम डिफरेंस करें तो अंक और संख्या नहीं. जैसे गुणों पे, जैसे हमने पूछा कि भाई आप कितना प्रेम करते हैं, तो आप कितना प्रेम करते हैं, तो 1 किलो प्रेम करते हैं, 2 किलो प्रेम करते हैं, 10 किलो प्रेम करते हैं, ये नहीं बोला जा सकता. तो प्रेम को हम किलो के हिसाब से नहीं व्यक्त कर सकते. लेकिन हम कहते हैं आप कितना कमाते हैं, तो वो संख्या में मान होगा, वो 1 लाख होगा, 2 लाख, 5 लाख. आपकी उम्र कितनी है, ज्यादा है, कम है, नहीं बोल के, बल्कि 21 साल, 20 साल, 10 साल, 5 साल, 15 साल, 50 साल, 80 साल, ऐसे होगा. तो ऐसे परिवर्त जिसमें अनेक संख्यात्मक इकाइयों का प्रयोग किया जाता है उसे परिमाणात्मक चर कहेंगे. जैसे आयु, आय, परिवार का आकार इत्यादि इत्यादि, इनकम, एज, साइज एंड साइज ऑफ द फैमिली एक्सेट्रा एक्सेट्रा. सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ वेरिएबल एंड टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स. सो स्टूडेंट्स, ये था कॉन्सेप्ट वेरिएबल्स का. वेरिएबल्स एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एस्पेक्ट है और कॉन्सेप्ट है, और इसमें कई बार इंटरविनिंग वेरिएबल पे जरूर प्रश्न आता है. तो स्टूडेंट्स, इसको ध्यान में रखिएगा, और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें, फॉरवर्ड करें और लोगों को बताएं, ताकि और लोग हमसे जुड़ें, और आपको मैं ऐसे ही और निरंतर नए वीडियोस जो भी हैं और बेहतर बनते हैं मैं आपको बनाता चलूंगा, देता चलूंगा, अपडेट करता चलूंगा, अपलोड करता चलूंगा. सो, फिर इसके बाद नए वीडियो के साथ, और मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सैंपलिंग के साथ फिर आगे आऊंगा. निदर्शन क्या होता है अगले वीडियो में हमारा, आप देखिएगा सैंपलिंग क्या होता है, उसको मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, ऑल द टाइप्स ऑफ सैंपलिंग. थोड़ा लंबा वीडियो होगा लेकिन बेस्ट, उसमें मैं आपको कई एक चीजें बताना चाहूंगा. सो, सब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद.